हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग का चैप्टर कौन चल रहा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने आपको इसके बिफोर लेक्चर में हमने आपको बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, यानी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस या कल ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बिफोर लेक्चर में हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। तो उसी से उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत एक साथ मिलकर बताए होंगे, है ना। तो आज देखिए हम लोग का टॉपिक है वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वेरिएशन इन ग्रेविटी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसके बिफोर हमने बताया था वेरिएशन इन ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो ऑन द अर्थ सरफेस के लिए फॉर्मूला आया था इसमें जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर आया था। इस स्मॉल जी को क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कंसीडर अ मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर ई, ठीक है। अब इस अर्थ के सरफेस पर हमने एक बॉडी लिया जिस बॉडी का मास क्या है, इसमें यम, ये पॉइंट पकड़ रहा है पॉइंट ए पर। इसी बॉडी को हमने सरफेस से इसमें एच हाइट एवं ले गया, इस पॉइंट को मान ले हम लोग बी, वही बॉडी है जिसका मास इसमें यम है। तो अर्थ सरफेस से इसका हाइट ले लिया हमने क्या है, इसमें एच। अब अर्थ सरफेस के सेंटर से बी तक का डिस्टेंस हो गया आर ई प्लस आपका क्या हो गया, यस, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस स्मॉल जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट अ पॉइंट ए, दैट इज एट पॉइंट ए, यहां पर फॉर्मूला मिला जी था आपको, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर मिला था। अब हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, डिफाइन करना है एट अ पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से जब स्मॉल एच हाइट एवं ले जाते हैं तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल जी चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल एम के जी बॉडी एट अर्थ सरफेस या दैट इज एट अ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग क्या ले लें, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस स्मॉल एच ले लें। इसको आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे, एक्सेलरेशन फर्स्ट। तो या इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको आप इक्वेशन क्या मान लें, सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी फ्रॉम द स्मॉल एच हाइट या अबव द स्मॉल एच हाइट, स्मॉल जी इक्वल टू हमने लिया जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन क्या माना, सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आप थोड़ा सा देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से कैपिटल जी एम ई, कैपिटल जी एम ई इक्वल टू आपका हो जा रहा है जी इंटू आर ई का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू जी एम ई इन इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम ई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में आप इस वैल्यू को पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर कैपिटल जी एम ई इक्वल टू क्या है, स्मॉल जी इंटू आर ई का आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया अपॉन आर ई प्लस एच का फुल स्क्वायर, ठीक है। हमने जी कैपिटल जी इंटू एम ई की जगह पर वैल्यू पुट किया क्या, स्मॉल जी इंटू आर ई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ पर लिखा आर ई का स्क्वायर, यहाँ वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या आपने लिखा आर ई का स्क्वायर, इसका मतलब ओ आर आर ई स्क्वायर और यहाँ आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आर ई का स्क्वायर आर ई का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर मिला, यानी आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर ई इंटू वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई इंटू ब्रैकेट में वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसके जगह पर आप क्या पुट करते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल जी कैपिटल आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर ब्रैकेट में आर ई, या ब्रैकेट में आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो
तो अब आपको फॉर्मूला मिलेगा स्मॉल स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन थर्ड कह लेंगे, क्या कह लेंगे, इक्वेशन थर्ड कह लेंगे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन थर्ड मिला। तो इक्वेशन थर्ड को हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट स्मॉल एच। इसको आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी 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 हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को भूले मत। और ऑन द अर्थ सरफेस का मिलेगा आपका स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर मिलेगा। अब अगर आप यहां ध्यान देखें, ये जो है हाइट, मान लीजिए ये बॉडी ए पर था तो फॉर्मूला ये मिला, बी पर था तो फॉर्मूला ये मिला, इसी को हमने इस फॉर्म में लाया स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपन वन प्लस एच अपन आर ई का होल स्क्वायर के टर्म में लाया। अब अगर उसी बॉडी को पॉइंट ए पर रख लिया जाए, या जो रेडियस का अर्थ है उतने हाइट पर कोई बॉडी हो जाए, जैसे बॉडी आर प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस पर प्लेस करेंगे तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एच। यानी कह सकते हैं इफ आर इज इक्वल टू स्मॉल एच तो देन 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 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच, आर की जगह पर क्या ले लिया एच, यहाँ हो गया स्क्वायर, तो जी एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस वन का होल स्क्वायर, वन प्लस वन का होल स्क्वायर आप करेंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू का होल स्क्वायर करेंगे टू टू जा फोर हो जाएगा, यानी जी डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो सकता है जी बाई फोर हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट, सॉरी एक सेकंड और आपसे रिपीट करता हूं, जैसे मान लीजिए अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो जितना अर्थ का रेडियस है उसके डिस्टेंस एबव, यानी उतने हाई हम अर्थ सरफेस एबव चले जाएं, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब बॉडी को हमने 6400 किलोमीटर एबव ले गया तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कितना फर्क पड़ रहा है, तो 1/4 टाइम्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, क्योंकि अर्थ सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन फोर इज इक्वल टू जी ई अपॉन फोर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट मीन्स एज विल एज गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेड, और सरफेस से जितना ही एबव जाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट समझे, इफ स्मॉल एच इज लेस देन आर ई, स्मॉल एच इज लेस देन आर ई, आर ई वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर से एच क्या हो बहुत छोटा हो जाए, सपोज 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में आप 6400 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो इस 1 से भी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होता है तो उस इक्वेशन को हम बाइनोमियल थ्योरम, यानी इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो फॉर्मूला मिलेगा आपका जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन क्या मिल जाएगा आपको, आर ई मिल जाएगा। अगर समझ में, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, इफ स्मॉल एच इज लेस देन आर ई लिखा, तो देन इक्वेशन देन देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स देन इक्वेशन थर्ड बिकम इक्वेशन थर्ड बिकम क्या करेंगे आप, यहां पर जी डैश इज इक्वल टू जी वन प्लस एच अपॉन आर ई का क्या है, होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आप जी वन प्लस एच अपॉन आर ई का पावर माइनस टू, इसको हमने ऊपर लेके चला गया। ठीक है, अब देखिए स्मॉल एच और आर ई क्या है, इज अ वेरी स्मॉल, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब स्मॉल एच आर ई के कंपैरिजन में तुलना में बहुत छोटा है और जब इसको आर ई से आप कटाएंगे डिवाइड करेंगे तो वन से भी वैल्यू इसकी क्या आएगी,
कम आएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्मॉल एच अपॉन आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन एक्सपेंडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द एबव इक्वेशन। इसके नीचे लिखेंगे तो दिस इक्वेशन बायनोमियल थ्योरम एंड निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हाई पावर ऑफ एच अपॉन आर वी के, इतना लिखने के बाद डायरेक्ट क्या लिख देंगे, स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में वन माइनस टू एच अपॉन आर, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप कब यूज करेंगे, जब स्मॉल एच लेस देन क्या दिया हो, आर दिया हो, ठीक है ना, आई बात समझ में। और इस फार्मूले ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा वाला फार्मूला है, बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला है। जब आपको हाइट पता ही ना हो, हाइट फाइंड करना हो, तब आप इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे। अगर हाइट दिया हो तो वह हाइट देख लें कि आरे की कंपैरिजन में कितना छोटा है या बड़ा है, उसके अनुसार आप इक्वेशन थर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और आगे बताता हूं, अगेन अगेन आप देखिए, अगेन में हमने कहा कि स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू ये जी वन माइनस टू एच अपन क्या हो गया, आरी हो गया, ठीक है। अब इस g को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो g माइनस टू एच जी अपान क्या हो जाएगा, आपका r ही हो जाएगा। अब देखिए ये g इस g से क्या है, बड़ा है, क्यों, अभी हमने बताया कि जब अर्थ सर्फेस एवक जाएंगे तो g क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और ये g क्या है, एवक तो अर्थ सर्फेस के लिए है, तो इसलिए यह g इससे g से क्या है, छोटा है, तो इस g को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी g माइनस जी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यदि साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, टू एच जी अपान क्या हो गया, आपका आर ही हो गया। अब इस जी को नीचे ला तो जी माइनस जी डैश अपान क्या हो गया, जी इज इक्वल टू टू एच अपान क्या हो गया, आर ही। इसको आप क्या कर देंगे, चेंज इन ग्रेविटी डेल्टा जी अपान जी इज इक्वल टू टू एच अपान आपने क्या लिखा, आर ही लिखा। अब समझ में, अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में बना सकते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू टू एच अपान जी इंटू 100, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया आपको, फोर्थ इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को कहेंगे परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी विथ ए स्मॉल हाइट, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी, इस फॉर्मूले का नाम है परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ए ग्रेविटी विथ ए स्मॉल हाइट, विथ ए स्मॉल हाइट, जैसे आई जी एच टी, ठीक है। तो ये रहा, एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हमने हेडिंग डाला है वेरिएशन इन ए ग्रेविटी ड्यू टू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अर्थ सरफेस से स्मॉल एच हाइट का वेरिएशन ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी क्या वेरिएशन होता है, क्या फॉर्मूला आता है, इन बात को ध्यान दीजिए। तो हमने इसके बिफोर लेक्चर में बताया था, पार्ट फोर में बताया हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्मूला होगा इस्तेमाल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम या पर आर का होल स्क्वायर, ठीक है, या आर का स्क्वायर बोल रहे हैं। उसी बॉडी को ऑन द अर्थ सर्फेस इस्तेमाल हाइट एवं रख दिया, तब इस्तेमाल जी का फॉर्मूला हमने लिखा है, एट अ पॉइंट बी पर लिखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ग्रेविटी इस्तेमाल यम के जी बॉडी एट द अर्थ सर्फेस या दैट इज एट पॉइंट बी, क्या लिखा, इस्तेमाल जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपन आर ई का, कैपिटल जी एम ई अपन आर प्लस एच ई का होल स्क्वायर, उसको इक्वेशन माना हमने, क्या सेकेंड माना, देखिए इक्वेशन सेकेंड माना, फिर इक्वेशन फर्स्ट से हमने कैपिटल जी एम ई इज इक्वल टू इस्तेमाल जी इंटू आर ई का स्क्वायर की वैल्यू ले जाकर वहां पर क्या कर दिया, पुट कर दिया, किसमें, इक्वेशन सेकेंड में, तो लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू कैपिटल जी एम ई इन इक्वेशन सेकेंड या पुटिंग द वैल्यू कैपिटल जी एम ई इन इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू को पुट किया तो क्या आया, जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर उसको हमने आपको समझा किस तरह होगा, लिखा कि जी डैश इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट में 1 प्लस
h upon r का होल स्क्वायर r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा g डैश इज इक्वल टू g upon 1 plus h upon r का स्क्वायर. इस इक्वेशन को हमने क्या बोला, थर्ड बोला. देखिए ठीक है, इस्तेमाल g डैश इक्वल टू g upon 1 plus h upon r का होल स्क्वायर, ये क्या है आपका इक्वेशन थर्ड है. इस इक्वेशन का नाम क्या रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट स्मॉल h. उसके बाद कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने और क्या बताया कि अगर अर्थ की रेडियस r है, यानी अर्थ की रेडियस r है, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ इज r एंड दैट इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को लेकर चले जाएं अबव द अर्थ सरफेस, तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तब उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस के 4 टाइम्स क्या कर जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है. देखिए यहां पर 4 टाइम्स क्या कर जा रही है आपकी, डिक्रीज कर जा रही है, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या हो गया h, अर्थ के डिस्टेंस के इतना हमने अबव किसी पार्टी को लेकर जब गया तो h और h r के जब h रख दिया तो h कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 और 1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4. आई बात समझ में, तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन क्या मिला 4. तो कह कर सकते हैं आप, इट मींस एज विलेज गो 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 अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेड. ठीक है, फिर हमने कह लिया एक और एक फार्मूला आपका बताया कि यदि इफ स्मॉल h लेस देन r, तो अगर ऐसा हो तो इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे आप, बाइनोमियल थ्योरम लगाकर आप फार्मूला निकाल लेंगे g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन r. अगर आपका परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी विल द विथ द स्मॉल हाइट की बात करता है तो बाइनोमियल थ्योरम से परसेंटेज डिक्रीमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा g अपॉन g इनटू 100 इक्वल टू 2h अपॉन r इनटू 100. अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा. तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्यों निभाओगे. अच्छा चलिए अब देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है. कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हाइट पूछ रहा है, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच ग्रेविटी बिकम्स, एट विच ग्रेविटी बिकम्स 1 by n times. ग्रेविटी बिकम्स 1 by n times, यानी इनिशियल ग्रेविटी का क्या हो गया n टाइम्स, यानी जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 हो जा रहा है. फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच ग्रेविटी बिकम्स 1 by n times टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इफ अर्थ रेडियस इज कैपिटल r. अर्थ का रेडियस r इज इक्वल टू क्या कह दे रहा है, कैपिटल r. ऑप्शन पॉइंट ए. क्वेश्चन ना हो तो लिख डाले आप, क्वेश्चन लिखे आप देखें, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस at which gravity becomes one by n times to the gravity ग्रेविटी फ्रॉम द या एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर. ऑप्शन है 1 - √n इंटू कैपिटल आर. ऑप्शन बी है √n - 1 इंटू कैपिटल आर. ऑप्शन सी लिख लेते हैं, लिख लीजिए आप n-1 इंटू कैपिटल आर. ऑप्शन डी n+1 इंटू कैपिटल आर. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करता हूं मैं. देखिए आप,
देखिए यहाँ पर फाइंड आउट हाइट, क्या फाइंड करना है आपको, हाइट फ्रॉम करना है, हाइट फाइंड करना है, फ्रॉम नहीं सॉरी, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में कितना स्मॉल एच हाइट जाएंगे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस से वन बाई एन टाइम्स क्या कर जाए आप टेंड हो जाए, ठीक है, और अर्थ रेडियस क्या है कैपिटल आर है, तो गिवन क्या हमने लिखा, गिवन स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू जी बाई एन, फाइंड क्या करना है आपको, एच फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए अब इसमें सवाल उठता है कि जी डैश इज इक्वल टू जी ई अपन वन प्लस एच अपन आर यू का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे या बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अब बताइए आपको हाइट पता ही नहीं है तो आप क्यों बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि उसमें बताया था कि स्मॉल एच इज लेस देन आर ई, जब हाइट आर ई से बहुत छोटा तब ये फॉर्मूला आपको लगाएंगे, लेकिन आपको तो हाइट पता ही नहीं है तो काहे को फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब आप फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश इज इक्वल टू जी वन प्लस एच अपान आर ई, आर ई इक्वल टू क्या दिया क्वेश्चन में आर डी आर, तो ये आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जी डैश इज इक्वल टू क्या है, जी बाई एन है आपका, यहाँ हो गया जी वन प्लस एच अपान आर ई, यहाँ पर इस बार जी से जी क्या हो गया एन से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ वन अपान एन इज इक्वल टू वन अपान दिस बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाले तो वन अपान एन इज इक्वल टू सॉरी हाँ वन अपान एन इज इक्वल टू वन अपान वन प्लस एच अपान आर ई का क्या मिल जाएगा, इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन प्लस एच अपान आर इज इक्वल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, एन इधर चला जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट एन हो जाएगा, तो वन प्लस एच अपान क्या हो गया आर, ठीक है। अब इस वन को उधर ले जाएंगे तो एच अपान आर इज इक्वल टू रूट एन माइनस वन मिलेगा, ओ आर एच इज इक्वल टू रूट एन माइनस वन इंटू टेन आर मिलेगा, है कोई ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है, जल्दी इसको लिख डालें। अब मान लीजिए इस तरह से आप फाइंड करेंगे, अगला क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, इसी तरह आपको कहे कि फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट व्हिच ग्रेविटी बिकम्स हाफ, यहाँ वन बाई एन टाइम्स की जगह पर एट व्हिच ग्रेविटी बिकम्स क्या कर दे हाफ, है ना, टू द ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, हाफ ऑफ ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, हाफ ऑफ ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ द ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, ठीक है, आई रेडियस ऑफ अर्थ इज क्या हो गया कैपिटल आर ई हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखें कितना टाइम हाफ टाइम्स कह रहा है, तो यन के जगह पर आप क्या रख लें, यन की जगह पर यहां यन की जगह पर आप क्या रख दें टू रख दें, यन की जगह पर आप क्या रख दें टू रख दें, अब मान लीजिए यहां पर ऑप्शन दे दिया हो आपका ऑप्शन सी ए बी हो गया और यहां पर डी हो गया, चार ऑप्शन दे दिया है आपको यहां पर एक 1.414 इंटू कैपिटल आर, एक दे दे रहा है आपका 0.4 इंटू आर, एक आपका दे दिया 0.45 लेंगे, यहां दे दिया 0.414 इंटू कैपिटल आर, तीन ऑप्शन मिला आपको और चौथा ऑप्शन 0.1 इंटू आर, ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, यहाँ देखिए हाइट एक ट्रिक है इसको, ठीक ना, क्या मान लें इसको आप ट्रिक मान लें, एन के जगह पर वैल्यू क्या रख देंगे रूट टू टू रख देंगे, यहाँ हो गया वन और यहाँ पर रेडियस क्या है आर है, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, यहाँ रखेंगे 1.414 माइनस वन और यहाँ पर क्या है आपका आर, ये आ जाएगा आंसर आपका 0.414 इंटू कैपिटल आर, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी, या आप शुरू से भी लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, गिवन जी डैश इज इक्वल टू जी बाई कितना दे दिया है टू, इनिशियल ग्रेविटी का कितना हो जा रहा है टू टाइम्स घट जा रहा है, तो कितना हाइट जाएंगे उसकी ग्रेविटी टू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, यानी आपका क्या पूछ रहा है एच रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या दे दिया है आर दे दिया है, तो अब यहाँ भी फॉर्मूला आपको पता नहीं है कि फॉर्मूला तो पता ही है लेकिन ये आपको पता नहीं है कि कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
तो आपको हाइट जब भी नहीं पता है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश इक्वल टू जीई अपन वन प्लस एच अपन आर का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जी ई कह लें या जी रख सकते हैं वन प्लस एच अपन क्या हो गया आर का स्क्वायर हो गया। अब जी डैश इज इक्वल टू कितना है जी बाई टू है तो यहाँ जी बाई टू आपने रख दिया उसके बाद यहाँ पर जी रख ले जी मान लीजिए और ये हो गया वन प्लस एच अपन क्या हो गया आर इज इक्वल टू आर जी से जी क्या हो गया कैंसिल यानी क्या मिला वन अपन टू इज इक्वल टू वन अपन वन प्लस एच अपन आर का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वन प्लस एच अपन आर इज इक्वल टू स्क्वायर भी हो सकता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टू हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा तो रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। तो एच अपन आर इस वन को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 1.414 माइनस क्या हो गया आपका वन हो गया। अब इसको सबट्रैक्शन करेंगे तो 0.414 आएगा यानी एच इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर मिला। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन सी सही हो गया ठीक है। अब मान लीजिए अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मतलब इतना टाइम जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है यानी दे दिया है आपका तो हाइट निकाल दे रहे हैं। अगर आपको वेट पूछते तो क्या करता है अगर आपको वेट पूछ लेता भार पूछ लेता तो आप क्या कहेंगे। इस सपोर्ट दैट क्वेश्चन है कि एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी इज कैपिटल डब्ल्यू यानी ऑन द अर्थ सरफेस पर एक्चुअल वेट क्या है किसी बॉडी का कैपिटल डब्ल्यू है क्या है कैपिटल डब्ल्यू है एक्चुअल वेट कैपिटल डब्ल्यू है आपका ये सी है। कह रहा है क्वेश्चन इफ एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी इफ एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी कैपिटल डब्ल्यू ठीक है किसी बॉडी का एक्चुअल वेट क्या है कैपिटल डब्ल्यू है करा देन फाइंड आउट वेट ऑफ अ बॉडी देन फाइंड आउट वेट ऑफ अ बॉडी एट हाइट इक्वल टू द अर्थ सरफेस एट हाइट इक्वल टू द अर्थ सरफेस यानी अर्थ सरफेस अर्थ के सेंटर से अर्थ सरफेस का जो वैल्यू है 6400 किलोमीटर उतना हाइट पर अगर कोई बॉडी चली जाए एव ऑन द अर्थ सरफेस से तब उस बॉडी का वेट कितना होगा एक्चुअल वेट ऑन द अर्थ सरफेस कैपिटल डब्ल्यू दिया है यहाँ आप ऑप्शन ले लें कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू बाई टू थ्री डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू बाई फोर ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे ध्यान से सुनिए यहाँ पर फॉर्मूला यही लगाएंगे ठीक है क्या करें जाए यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे आप आर जो रेडियस था उतने हाइट तक किसी बॉडी को ले जा रहा है और इनिशियल वेट डब्ल्यू है तो इस मान एच हाइट एबव जाएंगे तब उसका वेट क्या हो जाएगा इसको आप देखिए। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी अपान वन प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर ठीक है दोनों साइड इस मान एम से मल्टीप्लाई कर देते एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी अपान वन प्लस एच अपान क्या लिख सकते हैं आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस ये वेट दे दिया इसको कैपिटल डब्ल्यू मान लेंगे इसको क्या मान लें आप डब्ल्यू डैश मान लें ठीक है। तो अब आर इज इक्वल टू क्या है एच है या एच इज इक्वल टू क्या है आर है तो ये डब्ल्यू और यहाँ हो गया वन प्लस एच अपान एच का स्क्वायर ये कट जाएगा तो वन बचेगा ये आपने क्या लिख दिया डब्ल्यू डैश लिख दिया अब ये वन प्लस वन हो जाएगा यानी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन वन प्लस वन का होल स्क्वायर यानी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू और वन वन टू टू का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा फोर यानी आपका ऑप्शन डी सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ डी सही हुआ ठीक है। इस तरह एक और क्वेश्चन कराते हैं आप इसको नोट कर लें ठीक है थोड़ा परसेंटेज पे क्वेश्चन करा देता हूँ उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू
small g depth below the earth surface या from the earth surface, ठीक है, from the earth surface. तो नोट कर लिए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीमेंट, फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीमेंट इन, या हमने लिखा फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी विथ 1 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. 1 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इफ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, इफ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, रेडियस जब उसकी 6400 किलोमीटर हो जाए तो आप परसेंटेज डिक्रीमेंट फाइंड कीजिए, ठीक है ना. ऑप्शन ऑप्शन आप लिख लें, ऑप्शन आप लिख लेंगे पॉइंट ए में 1%, ठीक है, पॉइंट बी में आप लिख लें 0.3%, पॉइंट सी में आप देखें 0.33%, है ना, फिर पॉइंट डी में लिख लें 0.03%. ये ऑप्शन रहा आपका. तो अब देखिए यहाँ पर 6400 किलोमीटर, यहाँ पर आपका 60, ठीक है. तो फाइंड यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीमेंट ग्रेविटी विद 1 किलोमीटर हाई. अब देखिए यहाँ पर इस्तेमाल यह चीज लेस देन क्या है आ रही है, क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है और हाइट कितना है 1 किलोमीटर, तो वही बात हो गया कहाँ राजा भोज और कहाँ, है ना, ठीक है. तो यहाँ पर आपका रेडियस अर्थ का कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है और 1, सोचने की बात है. अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बायनोमियल थ्योरम वाला लगेगा, ठीक ना. इस्तेमाल एच लेस देन आ रही, तो हमने लिखा जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन आर, आर इज इक्वल टू हमने आर मान लिया, ठीक है. तो यहाँ पर मैं तो फॉर्मूला ही बता दिया था, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर इंटू 100, ठीक है. लेकिन एक बार और बताता हूँ, जी डैश इस जी को इसके अंदर ले जाएंगे जी माइनस 2h जी अपॉन आर, यानी जी को इसके ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब इस महात्मा जी को उठाकर इधर लाओ 2hg, ये महात्मा जी को उधर लेके जाए जी माइनस जी डैश हो जाएगा. तो इसको आप डेल्टा जी कर लो ना, तो ये डेल्टा जी हो जाएगा, आई जी को उसके नीचे ले जाए और ये हो जाएगा 2h, और यहाँ तो आर छूट गया था 2h और क्या हो गया आर. इसमें आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है, 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें 2h अपॉन आर इंटू 100, क्या बात है क्या बात है. देखिए आंसर क्या आता है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू लिखा 2h अपॉन आर इंटू 100, बोलो ना 2 कितना दिया, 1 किलोमीटर दिया है, 1 kg मैंने लिख दिया, सॉरी 1 किलोमीटर चाहिए. यहाँ पर हो गया 100, आर हो गया 6400 किलो, 1 किलोमीटर दुनिया से चला गया, 800 दुनिया से चला गया, कितना मिला 2×2 अपॉन 64 मिला कि नहीं, बोलिए बोलिए. अब इसे पढ़ाओ 1, इसे पढ़ाओ कितना हो जाएगा 32, 2×3=6, 2×2=4. अब 1 में 32 का डिवाइड करोगे 0.03% आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए. तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया तो ऑप्शन कौन सा मिला आपको, डी मिला, ठीक है ना. तो आगे इसके बाद रन देता हूं, कल हम लोग इसके बिफोर में आपको पढ़ाऊंगा. ये तो एफ ऑफ द अर्थ सरफेस, अब हम लोग कुमार खोद कर उसके नीचे जाएंगे, यानी क्या पढ़ेंगे, बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है.